हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक कप गेहूं के आटे से सुपर टेस्टी क्रिस्पी और चटपटे नए नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जिसे आप 10 मिनट के अंदर में बना के तैयार कर लेंगे और बच्चे हों या बड़े हों सभी को ये पसंद आने वाला है। दो देर न करते हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कप गेहूँ का आटा लिया है, ये वही गेहूँ का आटा जिससे हम लोग चपाती बनाते हैं, और साथ में यहाँ पे दो चाय वाली चम्मच से यहाँ पे मैदा डालेंगे। इसमें क्रिस्पी होगा हमारा नाश्ता। अगर आप मैदा डालना नहीं चाहते हैं, दो चम्मच सूजी डाल सकते हैं, स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिएगा। एक चौथाई चम्मच अजवाइन लेंगे, हाथों पे इस तरह क्रश करके डालिएगा। इसमें फ्लेवर हमारे नाश्ते में बहुत ही अच्छा आने वाला है और इससे डाइजेशन में हेल्प मिलेगा। एक चौथाई चम्मच मंगरेला डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक और मंगरेला अजवाइन आटा में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे मोइन के लिए चाय वाली चम्मच से है ना चार छोटे चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप मोइन के लिए घी भी डाल सकते हैं। डाल के इसको अच्छे से रब करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है कि सारे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए, तो हमारा नाश्ता ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। इस तरह हाथ में बांध के देखिए, लड्डू की तरह बना, इन्हें परफेक्ट मोइन पड़ा है। अब थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसका एक डो तैयार करेंगे। डो थोड़ा सा सख्त रहना चाहिए, जिस तरह हम लोग पूरी का डो लगाते हैं ना उसी तरह रहना चाहिए। तो देखिए इस तरह का डो रेडी हो गया है। अब इसे क्या करेंगे, इसे कवर करके 2 मिनट रेस्ट करने छोड़ देंगे। जब तक ये रेस्ट करेगा तो यहाँ पे एक छोटी सी तैयारी कर लेंगे। यहाँ पे एक बड़े साइज़ का आलू को मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया है। इसका छिलका हटा लेंगे और देखिए इसका छिलका मैंने हटा लिया। अब इसको फोक लेके इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। यहाँ पर खूब अच्छे से मैश कर लेना, चाहे आप यहाँ पर पोटैटो मैशर भी ले सकते हैं, सिर्फ आलू के बड़े या छोटे टुकड़े नहीं रहने चाहिए। तो देखिए इसको अच्छे से मैंने मैश कर लिया है। अब यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिएगा और इसे थोड़ा सा चटपटा करने के लिए आधी छोटी चम्मच चाट मसाला डालेंगे और इसमें आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, एक चौथाई चम्मच ब्लैक पेपर डालेंगे और यहाँ पे 2 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है वो डालेंगे और आधी प्याज को बारीक काट लिया है वो डालेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं थोड़ा मिर्च कम कर दीजिए। आप सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथों से मिक्स करेंगे कि सारा नमक मसाला और प्याज सब आलू में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया, चटपटा से स्टफिंग रेडी हो गया। उसे रखेंगे साइड में, 2 मिनट हो गया, कवर हटाएंगे, आटा को देख लेंगे, आटा अच्छे से सेट हो चुका है। एक दफ़ा अच्छे से इसको मिचाड़ लेंगे और यहाँ पे एक छोटी सी बॉल की तरह निकालेंगे, जिस तरह हम लोग कचौड़ी बनाते हैं ना कचौड़ी के साइज़ का, इसका एक छोटा सा बॉल निकाल के हाथों पे लेके इस तरह चिकना कर लीजिएगा। इस तरह हल्का सा तलहत्ती पर रख के चिकना कर लीजिएगा, उससे हमारा पूरी अच्छे से बेला जाएगा। तो देखिए इस तरह चिकना हो गया है, एक पेड़ा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे किचन सरफेस को अच्छे से पोंछ लीजिएगा, थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क लीजिएगा कि बेलने में चिपकी नहीं। थोड़ा सा व्हाइट तिल डालेंगे, व्हाइट तिल डालने से हमारे नाश्ते में क्रंचपन आएगा। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे, ये डालने से थोड़ा सा चटपटा होगा। और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डाल देंगे, इससे हमारा नाश्ता देखने में अच्छा लगेगा, फ्लेवर भी अच्छा आता है। एक जो अभी लोई बनाया था पेड़ा, उसको इस पर रख के दाब देना कि अच्छे से चिपक जाए। अब बेलन लेके इसको हल्के हाथों से बेल लेना है। इसका साइज़ वही जिस तरह हम लोग कचौड़ी बनाते हैं ना उसी साइज़ का रखना है। तो बेलने में दिक्कत हो तो ऊपर से फिर से थोड़ा सा सूखा आटा लगा लीजिएगा और इसी तरह कचौड़ी के साइज़ का इसको बेल लेना है। तो देखिए इसको कचौड़ी के साइज़ का बेल लिया, इसका थिकनेस देखिए इसी तरह रहना चाहिए जिस तरह हम लोग कचौड़ी बनाते हैं ना उसी तरह। अब यहाँ पे चटपटा सा जो स्टफिंग बनाया था 1 चम्मच भर के लेंगे, अब बीच में रख देंगे, बीच में अच्छे से 1 चम्मच भर के रख लीजिएगा, अच्छे से यहाँ पर सेट कर लीजिएगा। और यहाँ पे सेट करने के बाद थोड़ा सा पानी ले लेंगे और यहाँ पे पानी से किनारे किनारे इसको भिंगा देंगे कि आपस में ये चिपक जाए। जब फ्राई करें ना तो खुले नहीं, ना तो खुल के ऑयली नाश्ता हो जाता है। तो इसी तरह चारों तरफ पानी लगा दिया है। अब एक साइड से उठाएंगे और यहाँ पर इस तरफ दाब देंगे, हल्के हाथों से दाब लीजिएगा क्योंकि पानी लगा हुआ है, ये अच्छे से चिपक जाएगा। तो देखिए इसी तरह इसको अच्छे से चिपका देना है। तो देखिए ये चिपक चुका है। अब यहाँ पे क्या, एक फोक लेंगे, फोक लेके इसमें एक डिज़ाइन दे देंगे जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा नाश्ता। तो देखिए फोक से यहाँ पे अच्छे से सिर्फ इसी तरह किनारे किनारे कर लीजिएगा, एक प्यारा सा डिज़ाइन बन जाता है। तो यह लीजिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। अब इसे ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए एक और हम तरीका बताएंगे। जो फोक के नीचे का हिस्सा ले लीजिएगा और यहाँ पर से उठा के ऊपर की तरफ हल्का सा ले जाइएगा, तो देखिए ये भी एकदम बहुत ही ज़्यादा सुंदर डिज़ाइन बन के तैयार हो जाता है। अब बहुत ही आसानी से बन जाता है। देखिए हल्के से नीचे से उठाना, ऊपर की तरफ कर देना, देखिए हल्के से नीचे के से ऊपर की तरफ कर देना है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर बन के तैयार हो जाता है। ये ज़्यादा एट्रैक्टिव डिज़ाइन हो गया, देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है, बनाना कितना आसान है। ऐसे आप देखिए लगेगा बहुत टफ है इसको बनाना, लेकिन आप बिल्कुल आसान तरीके से फटाफट बना लेंगे। तो देखिए एक नाश्ता को मैंने तैयार कर लिया, इसी तरह बाकी नाश्ते को भी मैंने तैयार कर लिया।
अब इसे लेके चलेंगे गैस की तरफ। गैस में मैंने एक पैन पहले ही चढ़ा दिया था, इसमें 2 चम्मच तेल डाल दिया है बड़े चम्मच से। तेल हल्का गर्म हो जाएगा तो नाश्ते को डाल दें, केयरफुल्ली डाल लीजिएगा, जितना एक दफ़ा आ सके पैन में उतने नाश्ते डाल लीजिएगा। और मीडियम आँच रखिएगा, मीडियम आँच पर ये फ्राई होगा। तो देखिए यहाँ पर जगह बना के एक और डाल देंगे, डालते के साथ पलटना नहीं है, और जब तक नीचे फ्राई हो रहा है ऊपर गरम गरम तेल डाल देंगे, ऊपर का हिस्सा भी फ्राई हो जाए। देखिए 2 मिनट हो गया है, इसको पलट देंगे, एक तरफ हल्का सा ब्राउन कलर आ गया यानी फ्राई हो गया, तो इसको पलट देंगे, एक तरफ हल्का सा फ्राई हो जाए तब पलटिएगा। तो देखिए एक तरफ हल्का सा फ्राई हो गया तो इसको पलट दिया है, और इसी तरह मीडियम आँच पर उलट पुलट करते हुए ये नाश्ता बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट के अंदर में ये फ्राई हो जाता है। तो देखिए इसको उलट पुलट करते हुए इसे प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया, यानी कि हमारा नाश्ता क्रिस्पी करारा फ्राई हो चुका है। अब इसे तेल से छानते हुए निकाल के स्ट्रेनर पर रख लेंगे कि एक्स्ट्रा तेल पैन ही में रह जाएगा। और इस तरह छानते हुए इसे प्लेट पे निकाल के रख लेंगे, और बाकी बचे नाश्ते को भी डाल देंगे। तो देखिए बाकी बचे नाश्ता भी फ्राई हो गया, उसी भी निकाल के प्लेट पे रख लेंगे। तो यह लीजिए दोस्तों, बिल्कुल नए तरह का नाश्ता बनके रेडी हो गया है, वो भी गेहूं के आटे का हेल्दी तरीके से। जब भी बच्चों को छोटी मोटी भूख लगे, जो बच्चे जिद करते हैं ना बाहर से समोसा ला के खिलाओ या कुछ भी स्नैक्स, तो उससे अच्छा है कि ये गेहूं के आटे का है, बाहर का तो मैदा का रहता है। तो आप हेल्दी तरीके से बना के बच्चों को खिला सकते हैं। ये ऊपर नीचे क्रिस्पी होता है, आवाज़ सुनिए कि आपको लग रहा होगा,